मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेश वासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009. मध्य प्रदेश धार जिले की मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 दिन में लूट की घटना का पर्दाफाश किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धार एसपी ने पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा किया है। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 4 दिन पहले मेडिकल कलेक्शन वाले नरेंद्र चौहान के साथ मांडवी कोसवाड़ा में 4 अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर 1,50,000 रुपए लूट लिए थे। शिकायत पर मनावर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। फरियादी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बड़वानी जा रहा था, तभी 14 तारीख को घटना घटित हुई। फरियादी का दोस्त तलवार लगने से घायल हो गया था, जिन्हें बड़वानी में भर्ती किया गया था। बदमाशों ने गलती कर दी, आरोपी जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग गया, जिसके चेसिस नंबर से पड़ताल करने पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1,65,000 रुपए, 2 बैग, 2 रशीद कट्टे, 10 बैंक के चेक, 3 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामले को सुलझाने में मनावर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान की सराहनीय भूमिका रही। लूट के मामले का खुलासा किया है। 4 दिन पूर्व मनावर में की सिंघाना चौकी में घटना हुई थी, जिसमें 2 कलेक्शन एजेंट्स के साथ लूट की गई थी 5 लड़कों के द्वारा। उसमें करीब 1.5 लाख का मशरूका और कुछ चेक्स और उनका बैग ले गए थे। इस पे SDOP मनावर, थाना प्रभारी मनावर और चौकी प्रभारी सिंघाना अभिषेक, उनकी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे करीब 1,05,000 रुपये कैश रिकवर किया गया, जो 10 चेक गए थे वो रिकवर किए गए, और इस घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। इसमें जब घटना हुई तो आरोपियों की एक मोटरसाइकिल स्पॉट पे छूट गई थी। उस मोटरसाइकिल को जब फॉलो किया गया तो बड़वानी की वो मोटरसाइकिल थी, जिस पर जो 5 अन्य बायर्स के पास जा चुकी थी। उसको जब वर्क किया गया तो पुलिस ने ये आरोपी सेम सिंह के पास पहुंची, जो इस घटना में उसकी मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी। उसके अलावा एक और सूचना पुलिस को मिली कि बड़वानी में एक व्यक्ति है, उसका फ्रैक्चर हो गया है और वो एडमिट हुआ है। उसका भी इस घटना से लिंक निकला, जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये पूरे जो है घटनाक्रम को क्लियर हुआ। उसमें ये पता चला कि जितेंद्र पिता ओमकार मंडलोई नाम का व्यक्ति है, ये स्वयं बड़वानी की एक कलेक्शन एजेंसी में काम करता है। इसके द्वारा जो है इन कलेक्शन एजेंट्स को देखा गया, देखने के बाद इसने पूरी प्लानिंग बनाई और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये आरोपी कहां के रहने वाले थे? सभी आरोपी लोकल मनावर और सिंघाना के सर पुछी में। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर
कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।